ओम शांति। स्वयं भगवान ज्ञान के सागर हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। हम जैसा ज्ञान का धनी, ज्ञान से संपन्न संसार में भला और कौन होगा? ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिसने हमें मंजिल दिखा दी, ऐसा महान ज्ञान जिसको पाकर हम स्वयं से मिल सके, स्वयं की शक्तियों को पहचान सके, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिसके बाद हमें भगवान को जानने की और ढूंढने की इच्छा नहीं रही, वो हमारा ही हो गया। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान कि कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पाकर, वो ज्ञान भी जो स्वयं भगवान ने दिया और जो रोज देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर भी क्या हम ज्ञान के चिंतन से स्वयं को भरपूर नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो आइए ज्ञान रत्नों का चिंतन करें, इन ज्ञान रत्नों से खेलें और स्वयं को आनंदित करें। ज्ञान चिंतन यो तो मन करता है, परंतु ज्ञान जितना बुद्धि में भरेगा, ज्ञान विवेक शक्ति बन जाता है। बुद्धि जितनी इस विवेक शक्ति से संपन्न होगी, मन के द्वारा उतना ही ज्ञान का मनन होगा। साथ साथ जिसका मन व्यर्थ से मुक्त है, वही ज्ञान चिंतन का आनंद ले सकते हैं। व्यर्थ गंदगी है, व्यर्थ आत्मा को निर्बल करता है। बहुतों के अंदर तो व्यर्थ के मानो भंडार भरे हैं। सुनना भी व्यर्थ, देखना भी व्यर्थ, बोलना भी व्यर्थ, सोचना भी व्यर्थ, व्यवहार में भी व्यर्थ। इससे तो ज्ञान का आनंद कदापि मिल नहीं सकेगा। तो आइए इस ज्ञान का श्रेष्ठ रस पाने के लिए अपने महान विचारों के द्वारा परम आनंद की अनुभूति के लिए हम ज्ञान के चिंतन को बढ़ाएं। इसके लिए परम आवश्यक है ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का दान। इन दो चीजों से चिंतन स्वतः ही तीव्र होने लगता है। अध्ययन जबकि स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं, तब भी क्या हम रोज पढ़ेंगे नहीं? जिसको हम बुलाते थे, आओ सत्य राह दिखाओ, सदगति गति का मार्ग बताओ, मंजिल दिखाओ, जब वो स्वयं ये सब कुछ दिखाने आ गया है, तो क्या हम पढ़ेंगे भी नहीं? भगवान के स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट के नशे में रहकर हम इस ईश्वरीय ज्ञान का स्मरण करते रहें। स्मरण स्मरण से मनन स्वतः ही हो जाता है। जो चीज हमें याद रहती है, उसका मनन स्वतः ही होता रहता है। अचानक भी कोई चीज हमें याद आ जाए, तो उस पर हमारी बुद्धि चलती रहेगी। तो रोज मुरली सुने, साथ में लिखें और दो तीन पॉइंट सारा दिन के लिए ले चले अपने साथ। जब दो चप्पलें जूते पहने, तब दो पॉइंट्स याद करें। जब घर में चाय नाश्ता करें, तब दो पॉइंट याद करें। जब सेंटर से घर की ओर चलें, जितना भी समय लगे, मुरली को जरा रिवाइज कर लें। तो मुरली ईश्वरीय महावाक्य हमारे चित्त पर समा जाए, राज करने लगे, छा जाए, तब मनन चिंतन हमारे जीवन का एक अद्भुत आनंद होगा। क्योंकि इससे विचारों में महानता आती है, व्यर्थ समाप्त होता है और आत्मा स्वयं को गुह्य ज्ञान से भरपूर महसूस करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा मनन नहीं होता, वो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, और आज से मुरली की दो तीन बातें याद करना प्रारंभ करें, तो चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। आज सारा दिन अभ्यास करेंगे।
बाप दादा के आह्वान का, उसे बुलाएंगे, देखेंगे हमारे बुलाते ही वो हमारे सामने उपस्थित हो गए, हमें दृष्टि दे रहे हैं, उन्होंने हमारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है और वरदान दिया, बच्चे ज्ञान मनन संपन्न भव, ज्ञान युक्त भव, दिव्य बुद्धिवान भव। ये तीन वरदान आज सारा दिन लेते रहेंगे। ओम शांति।